दोस्तों स्वागत है आप सभी कैरेटेक पे। इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट प्रिंटर अंडर 5000 फॉर होम यूज। अगर आप एक प्रिंटर खोज रहे हो दोस्तों, सिर्फ प्रिंटर ही नहीं, आप एक स्कैनर भी खोज रहे हो, साथ ही साथ आप एक कलर प्रिंटर भी खोज रहे हो, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर नहीं, और यहाँ पे आपका बजट 5000 से नीचे है या फिर 5000 तक का है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखने के बाद प्रिंटर से रिलेटेड आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो बिना स्किप किए अंत तक जरूर से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो, नीचे लाल रंग का बटन भी दिख रहा है तो दबा दो यार, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। दोस्तों इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं मात्र 30 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। दोस्तों बेस्ट प्रिंटर अंडर 5000 पे आने से पहले कुछ ऐसे सवाल पूछने जरूरी है अगर आप एक प्रिंटर खरीदने जा रहे हो तो। सवाल जैसे कि किस लिए आप प्रिंटर खरीदना चाहते हो। दोस्तों प्रिंटर के भी अलग अलग काम होते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजों को हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर खरीदना चाहते हो कि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट ही प्रिंट करना है, या फिर आप कलर प्रिंटर भी खरीदना चाहते हो जिसमें आप कलर प्रिंटिंग भी कर सको, या फिर फोटो प्रिंटिंग करने के लिए आप एक प्रिंटर लेना चाहते हो। तो दोस्तों पहले आपको इस पे क्लियर होना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का प्रिंटर चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों कि आप कितना प्रिंट करते हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं घर में यूज करने की या फिर ऑफिस में यूज करने की। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि महीने में आप कितने पेजेस की प्रिंटिंग कर लेते हैं। तो पेज कितना आपको चाहिए, कितने पेज की प्रिंटिंग आप करते हो, तो ये पहले क्लियर हो जाए, टाइप क्लियर हो जाए। उसके बाद आता है दोस्तों फंक्शनैलिटी। अब फंक्शनैलिटी क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रिंटर आज के तारीख में बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंटिंग का काम नहीं होता बल्कि ओवरऑल काम होता है, स्कैनिंग का भी काम हो जाता है, कलर प्रिंटिंग का भी काम हो जाता है, फोटो प्रिंटिंग का भी काम हो जाता है, सिंपल प्रिंटिंग का ही काम सिर्फ नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ये भी डिसाइड करना है, ये टाइप से थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे आप इस पे क्लियर हो जाओ, क्योंकि जैसे जैसे आप चीजें ऐड ऑन करते जाओगे बजट भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और इन तीन सवालों के अलावा जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कनेक्टिविटी, कि आप प्रिंटर को कैसे यूज करना चाहते हो, यूएसबी सपोर्ट आपको उसमें चाहिए या नहीं चाहिए, वायरलेस कनेक्शन आपको उसमें चाहिए या नहीं चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस क्या कनेक्ट करने के आपको उसमें चाहिए, तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस क्या क्या आपको चाहिए, इस बात पे भी आप क्लियर पहले हो जाओ। उसके बाद दोस्तों आता है बजट। जब आप इन सारी चीजों को डिसाइड कर लो तो आप एक बजट जरूर से डिसाइड करो। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो क्लियर होते हैं इस बात पे कि उनको क्या लेना है, बट इस बात पे क्लियर नहीं होते कि उनको कितने में लेना है। तो बजट बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वरना आप अपने बजट का पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पाओगे अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकेशंस को लेके ही क्लियर होगे तो प्लीज आप पहले स्पेसिफिकेशंस को लेके क्लियर हो जाओ, उसके बाद बजट को लेके क्लियर हो जाओ, फिर आप एक बेहतरीन प्रिंटर खरीद सकते हो और आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, सही जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे। दोस्तों शुरू में हमने प्रिंटर्स के टाइप के बारे में बात की थी, पर एक्चुअल में प्रिंटर्स की जो टाइप होती है उसके बारे में एक शॉर्ट नोट यहाँ पे आप देख सकते होगा। तो बेस्ट रहेगा कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ लो, क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा। यहाँ पे दोस्तों तीनों प्रिंटर की टाइप्स दी गई हैं और किसका कितना यूसेज है ये भी दिया गया है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको एक्चुअल में कौन से प्रिंटर की जरूरत है। यहाँ पे दोस्तों आपको इंजेक्ट प्रिंटर भी दिख जाएगा, लेजर प्रिंटर भी दिख जाएगा और इन टैंक प्रिंटर भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट नोट को देखने के बाद आप क्लियर हो पाओगे कि आपको कौन सा प्रिंटर लेना है। दोस्तों अब आते हैं अपने बेस्ट प्रिंटर अंडर 5000 के ऊपर। दोस्तों बेस्ट प्रिंटर अंडर 5000 की ये जो लिस्ट है वो स्टार्ट होती है एचपी से, एचपी डेस्कजेट 1212। दोस्तों बात करें अगर हम इसकी कुछ की स्पेसिफिकेशंस की, तो ये एक इंजेक्ट प्रिंटर है दोस्तों। कनेक्टिविटी के ऑप्शन में आपको यूएसबी का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किस टाइप के पेजेस पे ये प्रिंट कर सकता है, तो A4, A5 और B5 पेजेस पे ये प्रिंट कर सकता है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रेजोल्यूशन कितनी है इस प्रिंटर की प्रिंट करने की, इससे पता लगता है कि क्वालिटी कितनी अच्छी आप प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पे 4800x1200 के रेजोल्यूशन वाले पिक्चर्स को भी आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी आती है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते कि प्रिंटिंग कॉस्ट एक प्रिंटर की कितनी है, वो बस क्वालिटी और कनेक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, बाकी सारे फीचर्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन अल्टीमेट चीज है कि प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लैक प्रिंटिंग की कॉस्ट है 6 रुपए और कलर प्रिंटिंग की कॉस्ट है 8 रुपए। दोस्तों ये प्रिंटर आइडियल है उस घर के लिए जहां पे बहुत ज्यादा प्रिंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से आप 10 से 20 पेज हार्डली महीने के प्रिंट कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप इस प्रिंटर को ले सकते हो। दोस्तों वही बात करो इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 2699 रुपए अमेजोन के ऊपर। लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, नंबर 3 पे है कैनन की तरफ से कैनन पिक्समा। दोस्तों बात करेंगे इसकी कुछ की स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे पिछले वाले प्रिंटर की तरह ही आपको स्पेसिफिकेशन लगभग सिमिलर देखने को मिल जाएगा। ये भी एक इंजेक्ट प्रिंटर है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको वाईफाई का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, कनेक्टिविटी ऑप्शन में USB 2.0 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, एप्पल के
एयर प्रिंट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गूगल के क्लाउड प्रिंट का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और एक स्मार्ट ऐप है जिसके थ्रू आप कनेक्ट करके प्रिंटिंग कर सकते हो। हालांकि ये काम आप एचपी के भी प्रिंटर में कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ पेज टाइप की, तो लगभग यहाँ पे सिमिलर पेज टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि A4 पेज आप प्रिंट कर सकते हो, A5 पेज आप प्रिंट कर सकते हो, और A6 टाइप के पेजेस को भी आप प्रिंट यहाँ पे कर सकते हो। मैक्सिमम रेजोल्यूशन की बात करें तो 4800x1200 की DPI आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्रिंटिंग कॉस्ट की बात की जाए तो इस प्रिंटर के साथ आपको ब्लैक एंड व्हाइट पेज प्रिंट करने में ₹7 का कॉस्ट पड़ेगा और कलर प्रिंट करने में ₹9 का कॉस्ट पड़ेगा पर पेज। दोस्तों बात करेंगे इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है ₹3500। ये प्रिंटर उनके लिए एक आइडियल प्रिंटर हो सकता है जिनको सिर्फ प्रिंटिंग करनी है और बहुत ज्यादा पेजेस वो प्रिंट नहीं करते महीने में, तो ऐसे केस में आप इस प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों जहां तक बात रही सर्विसिंग की, आफ्टर सेल सर्विस कैसा रहता है इन दोनों ही कंपनीज का, कैनन का या फिर एचपी का, दोनों का ही सर्विस आपको काफी बेहतर मिलेगा। इंडिया में भले ही आप कहीं भी क्यों ना हो, इन दोनों की सर्विस आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों आते हैं अपने नंबर 2 प्रिंटर पे। नंबर 2 जो प्रिंटर है वो एचपी की तरफ से है, एचपी डेस्कजेट 2332। दोस्तों बात करेंगे इसकी की स्पेसिफिकेशंस की। टाइप की बात की जाए तो ये एक इंजेक्ट प्रिंटर है दोस्तों, लेकिन ये प्रिंटिंग के साथ साथ स्कैनिंग और कॉपी भी कर सकता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको USB का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और HP स्मार्ट ऐप का भी सपोर्ट इसके साथ हमें मिलता है। पेज टाइप्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे A4 पेज, A5 पेज, B5 पेज और A6 पेज को ये प्रिंट कर सकता है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 1200x1200 की DPI हमें देखने को मिलती है। और प्रिंटिंग कॉस्ट दोस्तों इसकी बहुत ही कमाल की है। ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी मात्र 1.65 पैसा, यानी कि ₹1.5 के आसपास इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी ब्लैक एंड व्हाइट के केस में, और कलर प्रिंटिंग के केस में आपको ₹5 की कॉस्टिंग पड़ेगी। इन सारे फीचर्स के अलावा दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, इस प्रिंटर को एक 10 साल का बच्चा भी बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, और स्मार्टफोन ऐप के साथ आप इसको खुद से भी प्रिंट कर सकते हो बेहद ही आसानी से, आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की कि कितने पेजेस पर मिनट ये प्रिंट कर सकता है, तो दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट के केस में लगभग 8 पेजेस को ये प्रिंट कर सकता है, और कलर प्रिंटिंग के केस में लगभग 5 पेज को ये प्रिंट कर सकता है 1 मिनट के अंदर अंदर। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप एक ऑल इन वन प्रिंटर लेना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है ₹4,299। दोस्तों अब आते हैं अपने बेस्ट प्रिंटर अंडर 5,000 के इस लिस्ट में नंबर 1 प्रिंटर पे। नंबर 1 प्रिंटर कौन सा है? नंबर 1 प्रिंटर आता है कैनन की तरफ से, कैनन प्रिज्मा E477। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके की स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस HP प्रिंटर के तरह ये भी एक ऑल इन वन प्रिंटर है जहाँ पे आप प्रिंटिंग, स्कैनिंग और कॉपी कर सकते हो। दोस्तों बात करें अगर कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है, USB का ऑप्शन मिल जाता है, गूगल प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ कैनन के प्रिंट सर्विसेज का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, प्रिज्मा क्लाउड सर्विस का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और कैनन के स्मार्ट ऐप का ऑप्शन तो रहता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं पेज साइज की, तो यहां पे A4 पेज को आप प्रिंट कर सकते हो, A5 पेज को आप प्रिंट कर सकते हो, और साथ ही साथ B5 पेज को भी प्रिंट कर सकते हो। रेजोल्यूशन की बात की जाए तो यहां पे 4800x600 की रेजोल्यूशन यहां पे आपको मिल जाएगी। प्रिंटिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करने के लिए आपको ₹1.40 खर्च करना पड़ेगा, और कलर प्रिंट करने के लिए आपको ₹4 खर्च करना पड़ेगा पर पेज। इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें स्पीड की, तो यहां पे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग आप 1 मिनट में 8 पेजेस तक कर सकते हो, और वहीं अगर हम बात करें कलर प्रिंटिंग की, तो 1 मिनट में आप 4 पेज को प्रिंट कर सकते हो। और दोस्तों फीचर्स के अलावा एक बेहतरीन चीज जो इसको कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है, कैनन के इस प्रिंटर की जो कार्ट्रिज की कीमत है वो काफी ज्यादा सस्ती है HP के मुकाबले। सो आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी लेने से पहले जरूर से कंसिडर करें। इस प्रिंटर की जो कार्ट्रिज कीमत है मात्र ₹500 की है, आप आसानी से इसको परचेस कर सकते हो Amazon के थ्रू। और इस प्रिंटर की जो कीमत है दोस्तों Amazon के ऊपर, वो हमारे प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा है, ₹5,499 प्राइस पड़ेगा अगर आप अभी इस प्रिंटर को लेते हो तो। प्राइस भले ही थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन ये एक बेहतरीन प्रिंटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इस प्राइस रेंज में इससे अच्छा प्रिंटर शायद ही मिले। तो ₹500 के लिए अगर मैं इसको छोड़ देता, इस लिस्ट में नहीं रखता, तो बहुत ही नाइंसाफी होती। यहाँ पे आप मात्र ₹500 एक्स्ट्रा खर्च करके एक बेहतरीन प्रिंटर ले सकते हो जिसकी कॉस्ट कम है, जिसमें वाईफाई सपोर्ट आपको मिलता है, स्कैनिंग आप कर सकते हो, कलर प्रिंटिंग आप कर सकते हो, और इसकी सर्विसिंग भी काफी अच्छी है जो कि वारंटी के साथ आता है। सो दोस्तों इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके एक करके जाके प्राइस को चेक कर सकते हो, अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो देखने के बाद प्रिंटर से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके मन में थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल बचा है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों और यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के जय।